ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सतह ब्लू स्फीयर की तरह दिखने लगी है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज। ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, और ये 24 घंटे में लगभग 16 बार पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाते हैं, तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नजारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये नीला ग्रह। वेल, हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो इसकी सतह पर उतरे थे, और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से ये निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। हम अभी अपने घर से लगभग 4,00,000 किलोमीटर दूर हैं, और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल रखी हो। चांद की सतह एक बैटलफील्ड की तरह लग रही है, जिसने पिछले अरबों सालों से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स को स्पेस में ही जला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की ही तरह रॉकी प्लैनेट है, जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन ये ग्रह एक नर्क की तरह है, क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड की। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौर मंडल में सिर्फ वीनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो इस ग्रह को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लैनेट पर कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। ये है सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो दिन के समय में 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा भगवान। यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। अगर ये न होता तो हम न होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल की धरती पर जीवन फला फूला होगा। मंगल की धरती पर भी सागर मौजूद थे, नदियां मौजूद थीं, इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर था। लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है। आज वैज्ञानिक इस ग्रह पर सूक्ष्म रूप में ही सही बैक्टीरिया के रूप में जीवन खोजने में जुटे हैं, और वैज्ञानिक इस ग्रह पर भविष्य में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं। अगर हम मंगल पर आए हैं तो हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं। यह है ओलंपस माउंस, एक प्राचीन ज्वालामुखी। मंगल की धरती पर ज्वालामुखी से बना ये पहाड़ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है, और यह हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मंगल की धरती से हम अपने ग्रह पृथ्वी को देखें तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब आगे की यात्रा थोड़ी सी डरावनी होने वाली है, क्योंकि अब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इसमें मौजूद हैं बड़ी बड़ी और विशालकाय चट्टानें, जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये सब आपस में मर्ज हो जाएं, तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं कि इन पर एक बड़ा शहर बसाया जा सके।
जैसा कि हम जानते हैं कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में ग्रह बने, लेकिन एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा जैसा का तैसा रह गया। एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद मलबा एक प्लानेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ति ने इस मलबे को प्लानेट नहीं बनने दिया, और वो शक्ति थी जुपिटर। जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्ट्रॉयड बेल्ट के एस्ट्रॉयड्स को प्लानेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अन्य सभी प्लानेट्स को मिलाकर भी इतना बड़ा ग्रह नहीं बनाया जा सकता। ये है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। ये लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। ये एक विशाल तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां आ जाएं। जुपिटर एक गैसीय प्लानेट है, इस वजह से इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरे तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि सीधे इसके अंदर चले जाओगे। जुपिटर जितना वॉयलेंट और विनाशकारी है, वहीं इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा, जो कि पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की सतह पर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। इस पर पानी का तरल रूप में होना जीवन के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। हमारे सोलर सिस्टम में बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर वैज्ञानिक जीवन होने की प्रबल संभावनाएं जताते हैं। हमारा अगला पड़ाव है हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत प्लानेट सैटर्न। शनि ग्रह के छल्ले इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, जो कि इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हैं। शनि ग्रह को अपने सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। ये है शनि ग्रह का एक चंद्रमा टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है, इस पर हवा है, बारिश होती है, यहाँ तक कि इस पर ऋतुएं भी बदलती हैं। इस पर नदियां और सागर मौजूद हैं। ये चंद्रमा देखने में लगभग पृथ्वी की ही तरह है, लेकिन इस पर जो नदियां और सागर हैं, वो पानी के नहीं बल्कि लिक्विड नेचुरल गैस के हैं। अगर हम किसी भी तरह इस नेचुरल गैस को पृथ्वी पर ला पाए तो ये इतनी ज्यादा है कि हजारों सालों तक ये हमारे शहरों को रोशन कर सकती है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अरबों साल बाद जब सूर्य गर्माने लगेगा और एक रेड जाइंट बन जाएगा, तब टाइटन हैबिटेबल जोन में होगा। उस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां मौजूद होंगी। इस वजह से वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अभी हम अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। हमारी सौर व्यवस्था का सबसे आखिरी प्लानिट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन नेपच्यून के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। अपने सोलर सिस्टम की गहराई में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कुइपर बेल्ट में, जो पिछली एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली है। ग्रहों की लिस्ट से बेदखल किया जाने वाला प्लूटो भी इसी कुइपर बेल्ट का सदस्य है। कुइपर बेल्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट से भी ज्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से इनके चंद्रमा भी हैं। चलिए कुइपर बेल्ट को पार करके आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये है सूर्य से सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट सेडना। ये एक बौना ग्रह है, जो एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। ये सूर्य की एक परिक्रमा 10,000 सालों में पूरी कर पाता है। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से बाहर का रुख करते हैं। अभी हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए देखिए, अंतरिक्ष की गहराई में ये क्या ट्रेवल कर रहा है? ओह, ये तो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है। यही तो इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर मौजूद चीज है। ये पृथ्वी से अब तक 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के काफी सवालों से पर्दा उठाया है। ये बंदूक से निकली बुलेट से भी 20 गुना तेज ट्रेवल कर रहा है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम अपने सोलर सिस्टम की हदों से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि अरबों की संख्या में यहाँ पर कॉमेट्स को देखा जा सकता है जो सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन कॉमेट्स में इतना ज्यादा पानी है कि अगर ये सब इकट्ठे हो जाएं, तो ये पृथ्वी से भी ज्यादा बड़े और गहरे सागरों को भर दें। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर ज्यादातर पानी कॉमेट्स के द्वारा ही आया है।
पेंस परमिया थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जीवन कॉमेट्स के द्वारा ही धरती पर आया। अंतरिक्ष में तैर रही इन छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों में जीवन सूक्ष्म रूप में बैक्टीरिया की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। कॉमेट्स का एक विशाल बादल हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे ऑर्ट क्लाउड बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की ग्रेविटी की आखिरी सीमाओं पर है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी कमजोर पड़ने लगती है, जिस वजह से इसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा एक अननोन और रहस्यमय स्पेस में होगी, जहाँ घुप अंधेरा है। यहाँ इतना अंधेरा है कि हम अपनी आंखों से भी कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखने के लिए हमें इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी पृथ्वी से बहुत 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 दूर आ चुके हैं, लेकिन ब्रह्मांड के सापेक्ष में ये हमारा एक मामूली सा स्टेप है। यहाँ से हमें चारों ओर अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम सबसे नजदीकी तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। ये है हमारा पड़ोसी सोलर सिस्टम। ये हमसे इतना दूर है कि हमारे सूर्य के प्रकाश को इस तारामंडल तक पहुंचने में 4.3 सालों का वक्त लगता है। इस तारामंडल का नाम है अल्फा सेंटोरी। इस तारामंडल में तीन तारों का समूह है, जिनमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी तारे आपस में बाइनरी स्टार सिस्टम के तहत जुड़े हुए हैं। इस तारामंडल में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी नामक ग्रह मौजूद है, जो पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल जोन में है, और इस ग्रह पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी से हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हमारे सामने ये एक बेबी स्टार है, जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया है और इस तारामंडल में अभी ग्रहों का जन्म होना बाकी है। हो सकता है कि इस तारामंडल में किसी ऐसे ग्रह का जन्म हो जाए जो हमारी पृथ्वी की ही तरह जीवन को धारण करने योग्य हो, लेकिन अभी इसमें अरबों सालों का वक्त लगेगा। वेल, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और अभी हम ऐसे तारामंडल से होकर गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था। इस तारे का नाम है ग्लीज 581 और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस तारे का चक्कर लगा रहा है एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल मेल खाता है और इस ग्रह पर एलियन सिविलाइजेशन होने की प्रबल संभावना है। वैसे तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, जिनकी यात्रा करना तो दूर उनको पूरे जीवन काल में गिनना भी संभव नहीं है। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो अरबों तारों का घर है, जिनमें से हमारा सूर्य भी एक है। ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि अगर इसके एक छोर से प्रकाश ट्रेवल करे तो लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 105,700 सालों का समय लगेगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद बड़ी बड़ी विशालकाय गैलेक्सियों के सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं। यूनिवर्स में मिल्की वे से भी कई गुना बड़ी गैलेक्सियां मौजूद हैं। तो चलिए अपने सोलर सिस्टम और अपनी गैलेक्सी को पीछे छोड़ते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करके हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सभी गैलेक्सियां झुंड में हैं। और ये है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सियां मौजूद हैं। गैलेक्सियों के इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है। गैलेक्सियों का ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन